रानी ने जिया शंकर को समझाया। उसका कहना ये है कि जिया देख, तू भी अपनी जगह पर सही है, तू भी कहीं पर गुम थी या कहीं पर तेरा ध्यान था, उसके वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, तूने आंसर नहीं दिया है। उस वक्त वो राइज हुआ, उसको गुस्सा आया, ऊपर से तू भी जो है काफी ज्यादा गुस्सा हो गई, तुम्हारा लैप हो गया। तो क्या है, अगर तू सच में उसको दोस्त मानती है तो एटलीस्ट दोस्त की कुछ चीजें होती है जो जाने देनी चाहिए। वो अगर गुस्सा हुआ तू शांत हो जाती, या तू कभी गुस्सा होती है वो शांत तो होता है, तो एटलीस्ट वहां पर बहुत ज्यादा वो लैप हो गई चीज। चल इन सब चीजों को छोड़, और तू ये बात भी बोल सकती थी कि चल कोई बात नहीं अभिषेक, मैं बना दूंगी, चल ठीक है, मेरा ध्यान कहीं और था। इस चीज को पोलाइट वे में लेके जाती तो अच्छा था, पर फिर भी ये गर्मा गर्मी होगी, चलिए ऐसा सब चीजें हो जाती है, उसको मैं समझाऊंगी, ये बात बोलती है। पर आखिरकार जिया इतनी अच्छी बातें कर कैसे सकती थी? जिया ने तो सच में इग्नोर किया था, क्योंकि जिया की तो जली थी। जिया तो फुकरा को और मनीषा को साथ में देखना नहीं चाहती। अब फुकरा जो है उसको ऑर्डर दे रहा, तो वो ऑर्डर कैसे दे सकता है? काम करना नहीं है जिया को, राइस तक नहीं बनाने हैं जिया को, ये चीजें वो करना है, जब बस रेडी होके बैठना चाहती है ऐसा। आप लोगों ने भी देखा है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।